मध्य रात्रि 12 से 1 बजे पूरा एक घंटा दरबार खाली रहता है। कुछ सेवादारों के अलावा केवल हम थे। पूरे 24 घंटे में यही वो एक घंटा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दौरान बाहर का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता। तब बाबा ने इशारे से हमारा परिचय पूछा। मेरा नाम आकाश है, मैं TV9 भारतवर्ष से आया हूँ और हमारा एक शो आता है दृश्यम, उसी शो में हम आपकी कहानी को दिखाना चाहते हैं। हमारे पास सवालों की लंबी लिस्ट थी, हमने पूछना शुरू किया। बाबा इशारे से जवाब देने लगे। बाबा के इशारों को हम नहीं जानते, लेकिन सेवादार अच्छे से समझते हैं। मैं तो सुबह से आया हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है। आपको दिक्कत नहीं होती है? आप खुले में बैठते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है? क्या नहीं होती है बाबा जी बोल रहे हैं? कभी दिक्कत नहीं होती, ठंड के महीने में तो दिक्कत होती होगी। सब एक समान है मौसम बाबा जी बोल रहे हैं मेरे लिए। यहाँ जब मैं आया तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत आ रहे थे लोग, और वो सब कह रहे हैं कि मैं सत्यनारायण बाबा का भक्त हूँ। लोग आपको भगवान मानते हैं? हाँ, लोगों की इच्छा है, वो जिस भी स्वरूप में देखें बाबा जी का कहना है, बोले उनकी वो इच्छा है, वो अपने जो भी जैसा चाह रहा है वो अपने इच्छा से अपने स्वरूप से देख रहा है मुझे। जी नहीं, लेकिन आप खुद को भगवान नहीं मानते हैं? आप पिछले 27 साल से एक ही जगह पर बैठे हैं, कभी कोई परेशानी महसूस हुई है? कभी ऐसा लगा है कि अब बहुत हो गया, बहुत दिन बैठ लिया? नहीं, कभी कुछ नहीं। क्या सब कुछ बाबा के जवाब की तरह मासूम और सामान्य था, या इस दरबार में कुछ ऐसा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, या ध्यान जाने के बाद भी उसे परखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई? इस सिंहासन नुमा जगह पर ये 1998 से बैठे हैं। किसी इंसान के लिए ये कैसे संभव है? शारीरिक हरकत के नाम पर केवल दो ही चीजें हैं, ध्यान में जाने के लिए आंखें बंद करना, ध्यान तोड़ने के लिए आंखें खोलना, बस और कुछ नहीं। धाम खाली था, बाहर बैठे भक्त कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पड़ताल को अंजाम तक पहुंचने के लिए अब कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। ये सोच हम धाम के पिछले हिस्से में पहुंचे। पूरा ये परिसर अभी बिल्कुल खाली है। इस मंदिर के आसपास, इस प्रांगण में आपको कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो दरवाजे हैं, ये पीछे के दरवाजे हैं, और देखते हैं कि यहाँ से बाबा जी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, और दिखाई पड़ते हैं तो वो आखिर किस स्थिति में हैं अभी। ऐसा करने की एक वजह थी, कुछ लोगों के मुताबिक मध्य रात्रि 12 से 1 बजे के बीच, जिस समय दरबार में वफादार सेवादारों के अलावा कोई नहीं रहता, उस समय बाबा कुछ ऐसा सेवन करते होंगे जो उन्हें ऊर्जा देता होगा। मैं देख पा रहा हूं कि बाबा बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। हमने काफी देर तक देखा, सब कुछ वैसा ही था जैसे हम सुबह से देख रहे थे। बाबा या तो चुपचाप बैठे थे या इशारों से बात कर रहे थे। यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो अपने आप में ही हैरान करने वाला है। बाबा बिल्कुल अकेले बैठे हैं, अभी आसपास ना तो उनके सेवक हैं, ना तो कोई भक्त है, और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम सिर्फ किसी तरह से पहुँचकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं,
बाबा बिल्कुल वैसे ही बैठे, बिल्कुल वैसे ही बैठे। हम एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब तलाश रहे थे जिनके निशाने पर बाबा और उनकी तपस्या रहती है। अब हमारी नजर आसन पर थी जिसे कपड़ों के कवर से ढका गया था। सवाल इस सिंहासन पर भी उठाए जाते हैं, कहीं ऊंचे आसन में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं जो बाबा को लंबे समय तक बैठे रहने में मदद करता है। बाबा जिस स्थान पर बैठकर लगातार तपस्या करते रहते हैं उसे आगे से तो आप सब ने देखा है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज आपको मैं वो जगह भी दिखाता हूँ कि उसके पीछे का हिस्सा कैसा दिखता है। कई लोगों को लगता है कि आगे जहाँ बाबा बैठे हुए हैं वहाँ बहुत लंबा चौड़ा कुछ लगा होगा, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह होगी जिस जगह पर बाबा को बहुत स्थान मिलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुश्किल से 1.5 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी, और जब इसको नीचे से देखेंगे